नमस्कार दोस्तों, मैं एक्टर मनोज आर पांडे। दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते और जनता के सामने अपनी झूठी औकात दिखाते, और जब चोरी पकड़ी जाती तो सॉरी कहने लग जाते, रोने लग जाते। अरे यार, जब थूक के चाटना ही है तो थूकते क्यों हो? जब बार बार गलती करके सॉरी ही कहना है तो क्या समझे, सॉरी कह रहे हो कि मजाक कर रहे हो? जब थूकना ही है तो चाटते क्यों हो? या तो बता दो थूक चटना हो। काम निकालने के लिए तो तुम लोग गधे को भी बाप कहते हो और कुत्ते को भी आप कहते हो। कहते हो हम बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं, फिर भी झूठी झूठी न्यूज़ बनवाते हो। 150 गुंडों ने हमला कर दिया, इन्होंने हमला करवा दिया, उन्होंने हमला करवा दिया, हैं? खाली मुंह से बोलना है बड़ा बड़ा कि हम ये हैं, हम ये हैं। अरे यार, करके दिखा दो ना। प्रशासन के साथ मजाक करते हो, झूठा झूठा प्रशासन के पास कंप्लेंट करवाते हो कि हमको इतने लोग हमला करने आए हैं। पुलिस क्या रोड पे बैठी है? जिस दिन उस बात को लेकर केस पड़ गया ना ऊपर, पगला जाओगे, बता रहे हैं। प्रशासन के साथ मजाक मत करो। कहते हो कि पवन सिंह ने दारू पिया था और स्टेज पर आकर गाना गा रहा था। बिहार में दारू बंद है तो किसने दारू पिलाया था? अगर पवन सिंह ने दारू पिया तो पवन सिंह को अंदर कर दो, और नहीं पिया है, और अगर पवन सिंह ने नहीं पिया है तो तुम प्रूफ करो, और नहीं प्रूफ कर सकते हो तो तुम तो सीधे सीधे पूरे बिहार पे उंगली कर रहे हो, पूरे बिहार के प्रशासन पे उंगली कर रहे हो। तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा केस होना चाहिए, तुमको अंदर करना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को बढ़ावा दे रहे हो। तुम कहते हो बिहार में दारू बंद है, शराब बंद है, तो अगर तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि दारू पी रहा है कोई भी, एक्स वाई जेड, चाहे पवन सिंह हो चाहे कोई भी हो, दारू पी रहा है, तो तुमको कैसे पता कि दारू पी रहा है? तुम पूरे प्रशासन पे उंगली कर रहे हो, है? कुछ नहीं मिला तो झूठे झूठे बोल दिया कि पवन सिंह ने दारू पिया है, और कुछ नहीं मिलता है, बोलने के पहले सोचते नहीं हो? अरे यार, पहले सोचो, समझो, फिर ये मुंह खोला करो, अपनी चोंच फिर खोला करो, उसके पहले चोंच मत खोला करो। और ये जो फेक आईडी, जो डिजिटल वाला गेम खेलते हो ना, कि फेक आईडी से झूठे 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 कमेंट करवा दें, ये लिखवा दें, वो लिखवा दें, वो पता चलता है या कोई अनपढ़ नहीं है, ठीक है? फैन फॉलोइंग कब तक खत्म? सुधर जाओ अभी भी। और बीच में जो अभी ये जो नाच गा रहे हैं, डांस, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा डांस क्यों कर रहे हैं इतना भाई, और हमारा नाम ले लेके क्यों डांस कर रहे हैं इतना? किस बात की खुशी हो गई विवेक को और ये कश्यप को, अखिलेश को? बड़ा खुश हो गया है। चलो, थैंक यू सो मच विवेक एंड अखिलेश कश्यप, कि सुबह के भूले शाम को घर आ गए। अब ऐसे ही सुधर के रहना, गंदे गाने मत लिखना और ना गंदे गाने आगे प्रमोट करवाना। सुधर जाओ, अच्छा लगेगा। जैसे अभी सुधर गए हो, डांस वांस कर रहे हो, आगे भी सुधर जाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। बदतमीजी मत करो, समाज को गंदा मत करो। एक बात याद रखना, समाज के खिलाफ जाओगे हम कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ये बता दे रहे हैं अखिलेश। हम इस बात को मजाक मत लो, क्योंकि जिस दिन कानून का डंडा तुम्हारे अंदर घुसेगा ना, सुधर जाओगे। बहुत हो गया तुम्हारा मजाक, हम बता रहे हैं तुमको। प्रशासन मजाक नहीं है कि झूठी कंप्लेंट कर दो। और विवेक, आपके लिए भी स्पेशली है कि पीआरशिप करने के लिए, मैनेजरशिप करने के लिए तुम जबरदस्ती प्रशासन का कि झूठी कंप्लेंट कर दो, मीडिया में पब्लिसिटी मिल जाएगी, मीडिया में पब्लिसिटी मिल जाएगी। इस बात के लिए तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा केस पड़ सकता है, याद रखना। मैं तुमको सतर्क कर रहा हूं, समझा रहा हूं, ये तीसरी चौथी बार समझा चुका हूं। बार बार उंगली मत करो, प्रशासन को मजाक मत समझो। प्रशासन किसी के बाप का नहीं है, प्रशासन सबका है, आप सबका है। प्रशासन के साथ मजाक मत करो। अगर इतना ही आसान होता पुलिस की नौकरी मिलना, तो हर आदमी पुलिस में भर्ती होता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पुलिस को मजाक में मत लो, क्योंकि जिस दिन पुलिस ने आपको मजाक में ले लिया ना, आपकी सारी मैनेजरशिप घुस जाएगी। ये याद रखो, बार बार कह रहा हूँ, याद रखो, मजाक में मत लो। या ये कह लो कि थोड़ी सी जो ईश्वर ने थोड़ी सी सक्सेस दे दी, वो हजम नहीं हुई, उल्टी हो रही है। बस करो, बस लिमिट हो गया, अब ज़्यादा नहीं। अब गुस्सा ये आ रहा है, एक तो अश्लीलता परोसते जा रहे हो ऊपर से, पर खुशी हो रही है कि कम से कम सुबह के भूले शाम को घर आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे से ऐसी गलती नहीं करोगे। तुमसे कोई नाराज़ नहीं रहता है, तुम नाराज़ करते हो। तुमको कुछ नहीं मिलता, तुम्हारी चीज़ों में क्वालिटी तो होती नहीं है, तो क्या करो?
तो यही सब करके तुम सोचते हो कि चर्चे में आ जाए। ये चर्चा जो बार बार लोगों के दिमाग में गुजरो, और सारे हीरो जितने हीरो हैं, चाहे रितेश हो, चाहे क्या कहते हैं प्रमोद हो, चाहे कलुआ हो, चाहे समर हो, जितने भी हीरो हैं, सारे हीरो सबके लिए कह रहे हो कि उल्टी चुल्टी बातें कर रहे हो यार, कि इनकी औकात नहीं है। तुम्हारी औकात है, तुम्हारी क्या औकात है वो बताओ। अपनी औकात तो खुद ही आके गाते रहते हो, रोते रहते हो, हैं, पब्लिक से भीख मांग मांग के अगर दो पैसे जमा हो गए तो उसी का घमंड चढ़ गया। ये कह लो कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। क्या कहूँ, कुत्ते हो, घी हजम नहीं हो रहा है? तो हाँ, तुम कुत्ते हो, आगे बताओ। जब सुनना ही चाहते हो तो सुन लो। घी को हजम करना सीखो, हर चीज़ों को हजम करना सीखो, सक्सेस को हजम करना सीखो, इज्जत को हजम करना सीखो, ठीक है। उनको छोटा कहते हो, उन्हीं के गाने चुराते हो। क्या कहा गलत रितेश ने, उसी का पहले गाना चुराए थे, खून भरी मांग में। खून भरी मांग का तो मैं हीरो हूँ, मुझे नहीं मालूम है। ये गाना रितेश ने गाया था, उसी का गाना चुराया था। वही समर तुम्हारी गाथा गाता था, उसी समर के तुम नहीं हुए। वही कलुआ बेचारा कुछ नहीं बोलता था, उसके भी तुम नहीं हुए। प्रमोद यादव यादव करते हो, प्रमोद तो यादव है तो उसके तुम कहाँ हो गए बताओ। कम से कम प्रमोद प्रेमी के हो जाते तुम, किसके हुए हो तुम। ही लोगों के बीच बेचारा नील रहता था, उसको भी लोगों ने, तुम लोगों ने क्या क्या चढ़ाया, क्या पट्टी पढ़ाया पता नहीं, वो बेचारा भी बिगड़ गया। ऐसा तो है नहीं कि नील को मैं नहीं जानता हूँ, उसको भी मैं जानता हूँ। यार अपने साथ सबको मत बर्बाद करो, आने वाली पीढ़ी को भी मत बर्बाद करो। और मैं ये जो यंग जनरेशन है उसको बता रहा हूँ, जितने भी यंगस्टर्स हैं, यंग जनरेशन है, उसको मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई अपना भविष्य खराब मत करो। आप में इतना हुनर है, आप में इतना टैलेंट है, आप खुद ब खुद खुद को बहुत आगे लेके जा सकते हो। आपको गलत रास्ता पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, सही रास्ते पे चलो। बस इतना ही कहूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, पर हाँ, जो मेरे देश का नहीं, मेरे शहर का नहीं, मेरे समाज का नहीं, उसका मैं कभी हो ही नहीं सकता। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बीच में तो क्या कहा था तुमने, जातिवाद चमार 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 के, हरिजन की इज्जत नहीं होती। किसको कह रहे थे चमार तुम? वेग, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, किसको कह रहे थे चमार, हैं? जिस दिन हरिजन एक्ट लग गया ना, बर्बाद हो जाओगे तुम, बता रहा हूँ तुमको मैं। तो दोबारा अपनी जबान पे कंट्रोल रखना। मैनेजर हो, मैनेजर का मतलब समझते हो, एक इज्जत होती है। ऐसा मत करो कि तुम्हारे पीछे लोग दलाल लगा दें। सो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसी गलती दोबारा मत करना। दूसरे को धमकाओ मत, बहुत धमकाने का तुमको शौक है ना, इसको फ़ोन कराने का, गालियाँ दे देते हो। गाली तुमको नहीं आती है, एक से एक वैरायटी की गालियाँ आती है। मैंने भी सीखी, मैं तो मुंबई का छोकरा हूँ, एक नंबर की गाली देता हूँ। कभी सामने मिलके देखना, कान से खून आ जाएगा तुम्हारे, समझ में आया? चलो रखते हैं, जय श्री राम।